सो so, हांगकांग की सबसे पहले हम लोकेशन देख लेते हैं आपको पता होना चाहिए कि हॉन्गकॉन्ग एक आइलैंड है ये पर्ल रिवर जो है उसके डेल्टा में एक आइलैंड है ये so, सो अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो यहाँ से साउथ चाइना सी पैसिफिक ओशन ताइवान जापान कोरिया सब इसके आसपास है तो ये एक मेजर ट्रेडिंग पोर्ट है सो वन ऑफ द मेन मेजर इकनॉमिक जोन से दुनिया का जी वाइज अगर आप देखेंगे तो ये अकेला शहर बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उनको सरपास करता है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। सो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं इसे ब्रिटिशर्स यूज़ किया करते थे फॉर ट्रेडिंग फैसिलिटीज़। लेकिन जब चिंग डायनेस्टी ने जो कि लास्ट डायनेस्टी थी चाइना की उसने इसे रेजिस्टेंस किया ब्रिटिशर्स का तो यहाँ पर एक वॉर हुई जिसे ओ वॉर कहा जाता है सो so, उस ओपियम वॉर में जो 1842 की बात है इस ओपियम वॉर में जो है चाइना ने ना सिर्फ हॉन्गकॉन्ग पे बल्कि इसके साथ जो कवलून पेनासुला है उसके ऊपर भी कैप्चर कर लिया और 1898 में ये दोनों के दोनों जो शहर है दोनों की दोनों जो जगह है ये 99 नाइन की लीज पे जो है ब्रिटेन के पास चले गए यानी मेन लैंड चाइना अलग से और ये जो है ये एक यहाँ पर से आप कह सकते हैं जैसे सिस्टम बना यहाँ पर कि वन कंट्री टू गवर्नमेंट्स ठीक तो अभी हम देखते हैं आगे सो so, ये चिंग चिंग अंपायर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये लास्ट का चिंग अंपायर था चाइना का जस्ट ब्रिटिश से पहले और कम्युनिज्म होने से पहले चाइना में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि, कि कितना इसका जो एडवांटेज था हैविंग हॉगकॉन्ग इसका एडवांटेज कितना ज़्यादा था अभी जैसे मैंने यहाँ कहा कि ट्रीटी ऑफ नांग साइन हुई थी फर्स्ट ओपियम वार के बाद जो कि 29 अगस्त 1842 को साइन हुई थी इस अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी हांगकांग और कानून जो पेनासुला है उसे ब्रिटिश को दिया गया 99 नाइन एयर्स की लीज पे सो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो 99 नाइन एयर्स की लीज़ है लेकिन जब यहाँ पर ब्रिटिश आए नहीं थे तो हॉन्गकॉन्ग था क्या हांगकॉन्ग जो था ये एक स्मॉल फिशिंग और पायरेट्स जो होते हैं यहाँ पे पायलट्स बहुत ज़्यादा थे तो उनके पास ये था अब जब ब्रिटिशर्स आ गए तो उन्होंने क्या किया मोनोपलाइज कर लिया ट्रेड जो है हांगकॉन्ग में वो यहाँ से क्या करते थे गुड्स को एक्सपोर्ट करते थे चीप रेट पे चीप रेट पे जो है गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट होते थे सो चाइनीज़ क्या करते थे यहाँ से चीप रेट्स पे जो है ब्रिटिशर्स को जो है अपने गुड्स देते थे और खाली इम्पोर्ट एक चीज़ करवाते थे, थे जिसे कहते हैं ओ सो so वो एक मात्र चीज़ थी जो यहाँ पर उप, जो है इम्पोर्ट करवाई जाती थी तो अब जो ये ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ नांग अगर आप चाइनीज हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसे कहीं ना कहीं ट्रीटी ऑफ अनजस्ट कहा जाता है तो इस ट्रीटी के तहत हुआ क्या क्या सो वट वेर द प्रोविजन इसके हिसाब से जो चिंग डायनेस्टी की गवर्नमेंट थी उन्होंने कंपनसेशन देना था ब्रिटिशर्स को क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश की जो है नेवी पे अटैक किया था और जैसा आपको पता होगा कि तब ब्रिटिश की नेवी जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और उन्होंने चिंग डायनेस्टी की जो नेवीज है उसको ईजीली जो है डिफीट कर दिया था उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था कि जो हांगकॉन्ग था इसे क्राउन की जो है टेरिटरी बनाया जाएगा क्राउन यानी ब्रिटिश क्राउन की और अकॉर्डिंग तो टू दिस टेरिटरी जो ये ट्रीटी थी तो जो हांगकॉन्ग था नाइनटीन में चाइना को जो है वापस किया जाना था उसके बाद जो बहुत सारी डिक्लरेशन्स हुई चाइना और ब्रिटेन के बीच में 1984 में एक ऐसा ही सिनो ब्रिटिश ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुआ जिसके आधार पर चाइना ने यह कहा कि जब आप ब्रिटिश को ब्रिटिश जो है जब हांगकांग को हमें वापस दे देगा तो चाइना ये इंश्योर करेगा जो इसकी इंडिपेंडेंस है या जो इसका कैपिटल सिस्टम है उसे इंश्योर किया जाए सो ये वहाँ पर साइन हुआ और फर्स्ट जुलाई 1997 को फार्मली जो है हांगकांग चाइना को ट्रांसफ़र किया गया अब यहाँ पे दो सिस्टम चलते हैं यानी वन गवर्नमेंट और टू सिस्टम्स टू सिस्टम्स कैसे मेन लैंड चाइना का जो है जो सिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम है वो हांगकांग को इम्प्लाई नहीं होता है और हांगकांग का जो होता है एक हिसाब से एक चीफ एग्जीक्यूटिव होता है जो इसका मॉडल जो लेजिलेचर्स वगैरह जो सब देखते हैं उसके लिए लजिस्लेटिव काउंसल है और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है चीफ एग्जीक्यूटिव है तो वो इसे चाइना से जो है बिल्कुल अलग करता है सो so, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हांगकांग में जो है सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन में वो शातिन है ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर चाइनीज़ और इंग्लिश है सो so, ये जैसा मैं आपको कह रहा था कि जी डी वाइज काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ हैं उनसे बहुत ज़्यादा आगे so, है सो ये है हांगकॉन्ग आपके यहाँ पे जी डी वाइज ये काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ हैं उनसे आगे सो so, ये थोड़ी सी हिस्ट्री है इसकी कि 1939 में ब्रिटिश ने इन्वेट किया चाइना को हांगकांग के लिए ट्रीटी ऑफ नॉन्गेंग जो है फर्स्ट ओपियम वॉर के बाद जो है स्टार्ट होगी तो वही चीज़ लिखी गई है ओके okay, सो so, लेकिन अब 26 सितंबर 2014 में और 15 दिसंबर 2014 यानी दो मंथ्स के बीच में ऐसा क्या हो गया यहाँ पर तो मैं आपको वो बताता हूँ तो चाइना की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसने कुछ हांगकॉन्ग में इलेक्शन रिफ़ॉर्म्स लाने के बारे में सोचा कि हांगकॉन्ग में जो है कुछ इलेक्शन रिफॉर्म्स आएंगे अब ये अगर जैसे मैंने आपसे कहा था यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है हांगकॉन्ग की वो चीफ एग्जीक्यूटिव देखता है और लॉज जो है वो लजिस्लेटिव काउंसिल देखता है तो अगर चाइना जो है इसमें इलेक्ट्र रिफॉर्म्स ला रहा था तो ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं जो है डिसीजंस और लोगों को अफेक्ट कर रहे थे जो कि हांगकॉन्ग में रहने वाले है सो so, दो पार्टीज़ बन गई वहाँ पे हांगकांग में तो एक थे अम्ब्रेला मूवमेंट के जो सपोर्टर्स हैं जिसमें हांगकांग स्टूडेंट्स फेडरेशन थे स्कॉलर्स स्कॉलर्स थे बड़े बड़े जो सिविल पैशनेट्स थे और एक हैकिंग ग्रुप था जिसे कहा जाता है प्रो डेमोक्रेसी कैंप ये इनका हैकिंग ग्रुप था और अनोनस जो है इनको सपोर्ट कर रहा था इनका यूट्यूब चैनल भी आप देख सकते हैं वहाँ से अपोजिट में कौन थे चाइना की आर्मी चाइना की गवर्नमेंट और कुछ वहाँ के छोटे छोटे जैसे अब ग्रुप्स कहा जाते हैं जैसे वॉइस ऑफ लविंग हांगकॉन्ग जस्टिस अलायंस ये सब लेकिन ये सब जो ग्रुप है कहीं ना कहीं एफिलेटेड टू कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है अब उसी उन्हीं प्रोटेस्ट में जो होता है एक पिक्चर आती है अम्ब्रेला मैन की हांगकांग से ये वाली पिक्चर यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस बंदे ने अम्ब्रेला उठाया हुआ होता है और इसी बंदे को कहा गया अम्ब्रेला मैन और इस पूरी रेवोल्यूशन को जो है नाम दिया जाता है अम्ब्रेला रेवोल्यूशन का तब इनका गोल क्या था जो ये प्रोटेस्टर्स थे ये चाहते थे कि वहाँ पे जेनवन यूनिवर्सल सफरे हो जो इलेक्शन में जो उसमें वही बंदे वोट कर पाए जो होंगकोंग के रेजिडेंस हैं ना कि मेन एंड चाइना से लोग ला के आप जो यहाँ पर इफेक्ट करें जो एन यानी नेशनल पार्लियामेंट का जो डिसीजन हुआ था जिसके आधार पर जो नेशनल पार्लियामेंट थी वो चेंजेस लाना चाहती थी इन द रोल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव और लजस्टेटिव काउंसिल उसे रिट्रैक्ट किया जाए वापस लिया जाए और अबॉलिश किया जाए अबॉलिशन ऑफ फंक्शन कॉन्स्टिट्यूंसीजेटिक काउंसिल ऑफ हॉन्गक और जो चीफ एग्जीक्यूटिव थी उसकी रिजिग्नेशन हो तो इसमें हुआ क्या चाइना ने अपना रिजल्ट चेंज नहीं किया वो सफरेज जो है वो भी इतनी ज़्यादा क्लियरेंस दी नहीं गई अब जो ये आग है ये और भड़कती गई और टू में कुछ ऐसे डिसीजनस हुए जिसके करके फाइनली ये फुली एरप्ट हो गई सो so, 2019 में क्या हो गया चाइना की गवर्नमेंट ने प्रपोज किया फिजूटिव ऑफेंडर्स एंड म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स लेजिस्टेशन अमेंडमेंट बिल 2019 थाउजेंड so सो ये जो ला था कहीं ना कहीं वो बंदे जो मैंने आपसे कहा था प्रो अम्रेला रेवोल्यूशन से बिलोंग करते हैं उन बंदों को कॉर्नर करने के लिए था कि कहीं ना कहीं अरेस्ट किया जाए इस मूवमेंट को सप्रेस किया जाए दूसरा क्या था दूसरा ये हो गया कि हांगकॉन्ग की पुलिस जो कि डायरेक्टली अब मेन लैंड चाइना के अंडर थी उसने मिसकंडक्ट करना शुरू कर दिया था वहाँ पे रेड्स हो रही थी स्टूडेंट्स को एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया जा रहा था दूसरा ये था कि 2014 जो अमरीला रेवोल्यूशन थी वो कहीं ना कहीं एक्टिविस्ट को लग रही थी वो फेल हो रही है तो ये कुछ मेन रीजंस थे इसमें हुआ क्या सो so, फिर से प्रोटेस्ट वहाँ पे हो गए ये सेकंड जैसे मैंने कहा था सेकेंड पार्ट के प्रोटेस्ट अब ये प्रोटेस्ट जो थे थोड़े ज़्यादा वायलेंट हो रहे थे और इनकी डिमांड्स क्या कहती थी फाइव डिमांड्स थी कि जो एक्सट्रैश एक्सट्रेडिशन बिल है जो जैसा मैंने आपसे कहा था जो एक्स वगैरह उनको अरेस्ट के लिए इसको वापस लिया जाए और जैसे करेक्टरस्टिक्स ट्वेल्व जून टू थाउजेंड नाइनटीन के प्रोटेस्ट को जो राइट्स कहा गया है इसे राइट्स करेक्टर किया था चाइनीज गवर्नमेंट ने कि दिस इज राइट्स सो इसे भी वापस लिया जाए रिलीज एट एक्सन ऑफ अरेस्टेड प्रोटेस्टर्स उन्हें रिलीज़ किया जाए इस्टेबलिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ इंक्वायरी इन टू पुलिस बिहेवियर सो जो ये सब जो आप वायलेंस देख रहे हैं ये पुलिस बिहेवियर के करके हुआ तो लास्टली उन्होंने कहा था यूनिवर्सल सफरेज फॉर स्टेटिंग काउंसिल एंड चीफ एग्जीक्यूटिव इलेक्शंस की वोट सभी को दिया जाए जो जो हॉन्गकॉन्ग के रेजिडेंट्स हैं सो लेकिन अब इसमें और ज़्यादा चेंजेस आ रही थी ऑन जनवरी फर्स्ट जो कि ट्वेंटी है एक प्रोटेस्ट यहाँ पर लॉन्च किया गया जिसे कहते हैं स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर ये भी यहाँ पे लॉन्च किया गया बाय द प्रोटेस्टर्स लेकिन अब कंसेशंस क्या दिए गए कंसेशन्स ये दिए गए कि बिल जो है जो बिल लाई गई थी एक्सरेडिशन वाली वो सस्पेंड की गई लेकिन बाद में उसे जो है फुली विड्रॉ किया गया उसके बाद जो राइट्स उन्होंने कहा था तो पार्शली जो राइट्स वाली स्टेटमेंट है उसको पुलिस ने रिट्रैक्ट कर दी थी तो अभी जो कोरोना वायरस वगैरह चल रहा है तो ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं अभी भी है लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस है तो अभी ये अंडरग्राउंड है सबके सब प्रोटेस्ट सो लेट्स सी अगली वीडियो में अगर कोई और अपडेट आती है उसके बारे में आपको मैं दे दूंगा काइंडली सब्सक्राइब